Hi, myself Muhammad Nazim Patel. If you not subscribe to my channel, please subscribe it and press bell icon for latest notification. Assalamu alaikum, dear children. I think you will be fine. Today we are going to take about the poem Water in your 6th standard textbook. Let's do a pre-reading activity which is given in your textbook. Look at the picture. Dear children, here you can see in this picture it is raining. Here is the raining. Raining means barish. The river is flowing from the mountain. Here is the river. Here two children are taking a bath with tap water. This is tap water. Tap means nal. And here is the lake, or we call as pond, yani talab. The well is also full of water. Well, yani kuwa. What are these? These are all water resources from where we get water for our day-to-day life. We all know that there is no life without water, and how water is important to us and for all living beings. We must save water and protect it from becoming polluted. Okay. Dear children, here above the picture some questions are asked you, A, B, C. Please try to answer them. The first question is, from where do you get water to your house? What is the answer? The answer is, we get water from river, tap and well to our house. The second question is, name some rivers. The answer is river Kaveri, Krishna, Ganga, Yamuna, etc. Here third question is, how can we keep rivers and tanks clean? The answer is, we can keep rivers and tank clean by not dumping garbage into them. Next we go for the poem. Here is the poem. Now read the poem Water. Water has no taste at all. Water has no smell. Waters in the waterfall, in pump, tap and well. Waters everywhere about, waters in the rain, in the bath, the pond and out, at sea it's there again. Water comes into my eyes and down my cheek in tears. When mother cries, go back and try to wash behind those ears. John R. Crossland की लिखी हुई है नज़म वाटर है। तो यहाँ पे हम अल्फाज के मानी जानते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ग्लोजरी में। तो यहाँ पे देखिए, टेस्ट यानी क्या? टेस्ट यानी जायका, किसी चीज का जायका को हम टेस्ट। स्मेल यानी बो। एवरीवेयर हर तरफ। बाथ यानी गुसल, या गुसल खाना भी कह सकते हैं। सी यानी समंदर। अगेन दोबारा। आईज यानी आंखें।
आय की जमा है। डाउन यानी नीचे। चीक यानी गाल। टीयर्स आंसू। वैन यानी अगर ये सवाल में आए तो वैन का मानी कब होगा, अगर जुमले में आए तो जब होगा, यहाँ पे जब। क्राइस चिल्लाना। गो बैक वापस जाना। ट्राई यानी कोशिश। टू वॉश यानी धोना। बिहाइंड पीछे। ईयर्स यानी कान। चलो अब दोबारा पढ़ते हैं। वाटर हैज नो टेस्ट एट ऑल यानी वाटर का कोई जायका नहीं है, यानी पानी का कोई जायका नहीं होता। वाटर हैज नो स्मेल, वाटर में कोई बो नहीं होती, वाटर की कोई खुशबू नहीं होती। वाटर सिंग द वाटरफॉल, वाटरफॉल यानी आबशार, इसका मतलब वाटरफॉल आबशार। तो वाटर जिस तरह आबशार में पानी है, इन पंप, पंप यानी जो हमारे बोर का पानी इस्तेमाल करते हैं, ये है इन पंप टैप नल में वेल। तो पंप और टैप में और वेल में यानी नल कुआं और बोर में पानी मौजूद होता है। तो यहाँ पे यहाँ थोड़े सवाल दिए गए हैं। टॉक विथ योर फ्रेंड्स बिसाइड यू अबाउट द फॉलोइंग, व्हाट आर द मेन आइडियाज इन द फर्स्ट स्टांजा। तो ये फर्स्ट स्टांजा है। तो फर्स्ट स्टांजा में क्या बताया गया है, वाटर की प्रॉपर्टीज बताई गई है, वाटर का, वाटर की खासियत खसूसियात को बयान किया गया। चलो अभी सेकेंड स्टांजा देखते हैं। वाटर एवरीवेयर अबाउट यानी वाटर हर जगह मौजूद है, वाटर पानी हर जगह मौजूद है। वाटर इन द रेन, वाटर बारिश में मौजूद है। इन द बाथ द पाउंड एंड आउट यानी गुसल खाने में पानी मौजूद है, पाउंड यानी तालाब में है, एंड आउट हर तरफ बाहर पानी मौजूद है। एट सी इट्स देयर अगेन यानी फिर दोबारा ये पानी जो है बारिश से होता हुआ, नालों से, नदियों से गुजरता हुआ फिर दोबारा कहाँ पहुँच जाता है, समंदर में पानी पहुँच जाता है। एट सी इट्स देयर अगेन और दोबारा समंदर में पहुँच जाता है। तो व्हाट इज द मेन आइडियाज इन द सेकेंड स्टांजा, यहाँ पर बताया गया है वाटर रिसोर्सेस के बारे में, वाटर के यानी आबी ज़रायों के बारे में बात की गई है। नाउ लेट्स स्टार्ट थर्ड स्टांजा। वाटर्स कम इनटू माय आईज यानी पानी आता है मेरी आंखों में, एंड डाउन माय चीक इन टीयर्स और आंसू नीचे गिरने लगते हैं मेरे गालों पर। When mother cries, go back and try. यहाँ पे जो बच्चे हैं वो नहा रहे हैं, तो मदर यानी माँ उनको चिल्लाती है, डांटती है कि जाओ दोबारा, go back and try, अब जाकर दोबारा क्या करो, to wash behind those ears, जो जो साबुन लगा हुआ है कानों के पीछे उसे दोबारा धो दो। तो बहुत अच्छी पोएम है, इसे जॉन आर क्रॉसलैंड ने लिखा है। तो ये इसका क्या है, पोएट, पोएट किसे बोलते हैं, पोएट बोलते हैं शायर जो पोएम लिखता है। ओके, हियर इज द
कॉम्प्रहेंशन, यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन दिया गया है. राइट डाउन इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, एन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है राइमिंग वर्ड्स की. राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं हम काफिया अल्फाज, हम काफिया अल्फाज को बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स, जो एक आवाज से अदा होते हैं, सेम आवाज जो रहती है. तो यहाँ पे तो यहाँ देखिए राइमिंग वर्ड्स आखिर में होते हैं. यहाँ पे ऑल वाटर फॉल, ये राइमिंग वर्ड्स हो गए. अब दूसरे राइमिंग वर्ड्स स्मेल और हो गया वेल. इसके बाद में अबाउट, आउट, रेन, अगेन. यहाँ पे टीयर्स, ईयर्स. पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा राइमिंग वर्ड्स है. यहाँ पे पहला और तीसरा, दूसरा मिसरा और चौथा. लेट्स कंप्लीट द एक्सरसाइज. ऑल फॉल, यहाँ पे स्मेल वेल, अबाउट आउट, रेन अगेन, टीयर्स ईयर्स. यहाँ पे राइमिंग वर्ड हमने कंप्लीट कर दिया. यहाँ पे वोकैबुलरी देखते हैं. फर्स्ट ए, मैच द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन द राइट. यहाँ पे दिया गया है हियर इज द वर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शन इज गिवन इन फ्रंट ऑफ दीज वर्ड्स. रेन, हियर इज रेन, द वाटर कम्स फ्रॉम द क्लाउड्स. क्लाउड्स यानी बादल, तो बादल से जो पानी बरसता है उसे बोलते हैं रेन. सेकेंड, वेल इज अंडरग्राउंड वाटर, हैज वाटर फ्रॉम एन अंडरग्राउंड सोर्स. जमीन के अंदर से पानी निकाला जाता है कुएं के जरिए. पॉन्ड, रेन वाटर गेट कलेक्टेड हियर, यानी बारिश का पानी यहाँ पे जमा होता है. कहाँ पे जमा होता है? तालाब. सी, समंदर, हैज साल्ट एंड मैनी मिनरल्स. तो समंदर का पानी खारा होता है क्योंकि यहाँ पे साल्ट यानी इसमें नमकियात मिलती हैं, मिनरल्स यानी मादनियात इसमें शामिल हो जाते हैं, इसलिए समंदर का पानी खारा होता है. वाटरफॉल्स, वाटर कम्स इन ए रश ओवर रॉक्स, यानी चट्टानों से ऊपर जो नदी गिरती है उसे वाटरफॉल यानी आबशार कहते हैं. टीयर्स, आंसू, आंसू जो है क्या है? फ्लो फ्रॉम द आईज. वन मोर एक्सरसाइज इज हियर. हियर्स आर द वर्ड्स एंड हियर आर द पिक्चर्स. वी हैव टू मैच द वर्ड्स विद पिक्चर.